उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। शनिवार को बाराबंकी से समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हाजी फरीद महफूज किदवई ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से उन्होंने कहा कि भगवान शिव की सौगंध, मैं 16 आने जीत कर ही आऊंगा। वही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने वादों से मुकर गई और जनता अब भाजपा के पक्ष में नहीं। ये हमारे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि मैं वहां से दोबारा एमएलए होने जा रहा हूं, जहां लोधेश्वर महाराज की भूमि है, क्या नाम पारियाज का पेड़ है। पारियाज के पेड़ के लिए आपको बता दें कि ये पहली बार मैं एमएलए कुंती कुंडेश्वर के मंदिर है। वहां बता दूं कि जब मैं पहली बार एमएलए हुआ हूं तो पारियाज की जो भी कुर्सियां, जो बेंचेस बनी है, जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है, वो मेरे ही घराने से हुआ है। ये जो समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया 2017 से 2022 तक के। अब बीजेपी ने कुछ किया होता तो आज उनकी ये बुरी हालत न होती। माने कि आप आएंगे इस बार पक्का जीत के आएंगे? बिल्कुल 16 आने आऊंगा। महादेवा का जो 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 पावन भूमि है भगवान शिव की, मैं आपको उनका ही यकीन दिलाता हूँ उनकी बात करके कि रामनगर की भरपूर तरक्की होगी। अभी तक ये हमारे